अगर आप मेरे एक भी वीडियो मिस करना नहीं चाहते तो मेरे यूट्यूब चैनल EUS मीडिया प्रोडक्शन के होम पेज पे जाके सब्सक्राइब कर दे और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करके मेरे चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। इससे मैं जब भी एक नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर सम मोर डोज ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। लास्ट वीक के वीडियो में मैंने वन ऑफ द बेस्ट बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उसकी समरी बताया था। उस वीडियो में मैंने उस बुक में दिए गए स्टार्टिंग के 4 इफेक्टिव हैबिट्स के बारे में बताया था जिसकी हेल्प से कोई भी इंसान अपने डेली वर्क में इफेक्टिव बन सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो ऊपर निकलते आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो या जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। और आज के हैबिट सीरीज के 6 वीडियो में मैं आपको उसी बुक में दी गए बाकी के 3 इफेक्टिव हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जिसे प्रैक्टिस करके हम में से हर कोई अपनी लाइफ में इफेक्टिव और सक्सेसफुल बन सकता है। सो लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 5, थिंक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। वीडियो के स्टार्टिंग और एंड में बहुत से यूट्यूब क्रिएटर्स इंक्लूडिंग मी अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने बोलते हैं सो डेट आप उस चैनल के एक भी न्यू वीडियोस और अपडेट को मिस ना करो। लेकिन अब इमेजिन करो कि मैं आपको फोर्स करता हूँ कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सा टाइम देना पड़ता है, एडिट करते वक्त बहुत दिमाग लगाना पड़ता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे? ऑब्वियसली नहीं। यूट्यूब देखने वाली ऑडियंस को इस बात में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता है कि यूट्यूब क्रिएटर कितनी मेहनत करते हैं एक वीडियो बनाने के लिए। वो कोई भी चैनल को तभी सब्सक्राइब करेंगे जब उस चैनल के कंटेंट से उन्हें कोई बेनिफिट मिलेगा। इसलिए अगर मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले मुझे अपने व्यूअर्स को समझना होगा, उनकी थिंकिंग को जानना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को वीडियो के थ्रू प्रेजेंट करना होगा। लोगों के साथ कन्वर्सेशन करते वक्त हम हमेशा चाहते कि सामने वाला इंसान हमें अच्छे से समझे, हमारी बातों को अच्छे से सुने। लेकिन सच तो ये है कि हम कभी खुद ट्राई नहीं करते हैं कि हम भी सामने वाले इंसान को समझे, उनकी बातों को अच्छे से सुने। हम किसी की भी बात पे इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ व्हाट के बारे में सोचते कि उसने ऐसा क्या बोला, वो होता कौन ऐसा बोलने वाला एक्सेट्रा, जबकि हमें उस वक्त वाई के बारे में सोचना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसके पीछे रीजन क्या था एक्सेट्रा। नोकिया लुमिया मार्केट में इसलिए फेल हुआ क्योंकि नोकिया कंपनी को लगा कि कस्टमर पिछले प्रोडक्ट की तरह उसके इस नए प्रोडक्ट को भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन टाइम के साथ साथ कस्टमर के नीड और डिमांड दोनों चेंज हो चुके हैं। इसलिए अगर नोकिया कंपनी कस्टमर के नीड और डिमांड को जानने की कोशिश करती और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती तो आज भी शायद नोकिया कंपनी मार्केट में लीडर होती। इसलिए अगर आप किसी के साथ एक सक्सेसफुल डील करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग भी आपको समझे, आपसे कनेक्शन बढ़ाए, तो सबसे पहले लोगों को समझने की कोशिश करो। बोलने से ज्यादा लोगों की बातों को सुनो और उसे अच्छे से समझो और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने नेक्स्ट स्टेप और एक्शन को डिसाइड करो। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। समझो एक T20 मैच चालू है जिसमें सामने वाली टीम को 20 ओवर में 220 का टारगेट चेस करना है। अब इमेजिन करो कि इस टारगेट को चेस करने के लिए बस एक बैट्समैन क्रीज पर है। ऐसे केस में उस टारगेट को चेस करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन जब दो बैट्समैन क्रीज पर साथ में बैटिंग करते हैं तो उस टारगेट को अचीव करने की पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी दोनों बढ़ जाती है। ऑथर ऐसे ड्यूअल वर्क ऑफ कॉम्बिनेशन को सिनर्जी कहते हैं। लो प्राइस और चीप क्वालिटी वाले ईयरफोन्स में कुछ टाइम के बाद एक ईयरफोन काम करना बंद कर देता है। भले ही आप एक सिंगल ईयरफोन से गाने सुन सकते हो लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी वाला आउटपुट नहीं मिल पाता है। इसलिए हम हमेशा ट्राई करते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी वाला ईयरफोन खरीदे सो डेट हमें आउटपुट में एक अच्छा साउंड इफेक्ट मिले। ऑथर इस ड्यूअल आउटपुट क्वालिटी को भी सिनर्जी कहते हैं। बेसिकली सिनर्जाइज का मतलब होता है कॉर्पोरेट करके एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। जब आप कोई भी काम अकेले करते हो तो आप बहुत ही कम पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करते हो और उस काम के आउटपुट रिजल्ट में आपको वो क्वालिटी नहीं मिलती है जो आपको एक्चुअली में मिलना चाहिए। लेकिन जब आप सेम काम किसी के साथ मिलकर करते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज को डेवलप करते हो और उस काम के आउटपुट रिजल्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। इसलिए अकेले काम करने से अच्छा है कि आप लोगों के साथ मिलकर काम करो सो डेट आप अपने हर एक काम को, अपने हर एक गोल को इजिली और परफेक्टली अचीव कर सको। हैबिट नंबर 7,
शार्पन दी सॉ। अभी मैं एक लाइन बोलूंगा जिसे आप ध्यान से सुनना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव अदर्स देन ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट। ऑथर कहते हैं कि डेली एनर्जेटिक और मोटिवेट रहने के लिए हमारी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। रिसर्चर्स बताते हैं कि डेली बस 30 मिनट एक्सरसाइज करके आप खुद को फिट रख सकते हो और सिर्फ 15 से 20 मिनट बुक पढ़ के आप खुद को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए हम हमारे डेली के बिजी शेड्यूल में से सिर्फ 45 मिनट्स भी नहीं निकाल पाते। अगर हम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते तो ऑथर हमें बस 4 एरियाज में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने को कहते हैं। ये 4 एरियाज है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल। ये चारों एरियाज बाकी के 6 हैबिट्स को कवर करते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में और इस वीडियो में बताई है। लाइफ में सक्सेसफुल और इफेक्टिव बनने के लिए हम इन्हीं 7 हैबिट्स की हेल्प से हम अपने सबसे कीमती एसेट्स को रेगुलरली इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये कीमती एसेट्स और कुछ नहीं है बल्कि हम खुद है। अप टू एंड ये बातें भी मैंने आपको वन ऑफ माई फेवरेट बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से बताई है। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक पढ़ सकते हो। और अगर आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस और बुक समरीज को मिस करना नहीं चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यहाँ पे क्लिक करके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू टूडे।